जम्मू कश्मीर की पुलिस के हाथ जब खाली रहे तो उसने गृह मंत्रालय से अपील की कि दिल्ली से उसे मदद की जाए, जिसके बाद दिल्ली की फॉरेंसिक लैब ने बड़ा सबूत खोज लिया है, जिसके बाद इस मामले में सबूतों के अभाव का हवाला देने की गुंजाइश कम हो गई है। दिल्ली लैब को एक ऐसा सबूत मिला है जिससे यह साफ होता है कि बच्ची के साथ कुकर्म करने से पहले उसे नशीली दवाइयां दी गई थी। आरोपियों ने उसे भारी मात्रा में दवाई दी थी। ये वो दवाई थी जो मानसिक दौरा पड़ने के लिए दिया जाता था। इतना ही नहीं, दिल्ली लैब को डीएनए से भी जुड़ा एक सबूत मिला है। टेस्ट रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि बकरवाल समुदाय की 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात को जम्मू के रसाना गांव के देवस्थल में ही अंजाम दिया गया था। इसके अलावा पीड़िता के साथ काफी जबरदस्ती भी की गई थी, इस बात का भी खुलासा हुआ। इतना ही नहीं, आरोपियों के लिए बाल भी डीएनए से मैच हो गए हैं। इन सब के बीच घटनास्थल पर गिरे बाल पीड़िता के डीएनए से भी मैच हो गए हैं। ऐसे में अब यह केस काफी मजबूत बन चुका है।